हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू शिक्षा सो गाइस करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमने एमसीक्यूज नहीं डिस्कस करने हैं हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने हैं रिलेटेड टू न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पिछले महीने ही नहीं आपकी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनाग्रेशन हुआ है और ये फैक्ट्स अब आप देखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद इसीलिए रहेगा क्योंकि एग्जाम अब बिल्कुल पास है तो याद रहेंगे इसके अंदर फैक्ट्स जो है वो बहुत सारे याद रखने पड़ेंगे तो इसीलिए काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा पीडीएफ फाइल इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से मिल जाएगा और एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स एक्सप्लोर करना चाहो दो अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है बट फिर भी अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहे तो यूपीएससीपीएफओ कोड जरूर लगा लेना फिफ्टी ऑफ के लिए ओके नाउ लेट अस क्विकली स्टार्ट तो नए पार्लियामेंट की बात करें तो न्यूज में क्यों था क्योंकि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनोग्रेशन किया था अब ये जो पार्लियामेंट हाउस हा। है ये बेसिकली जहां पर आपकी पार्लियामेंट बैठती है लोकसभा और राज्यसभा बैठते हैं इसके अंदर बिल्डिंग में जो आपको एक फैक्ट याद रखना है वो ये है कि इस बिल्डिंग का जो शेप है वो ट्रायंगुलर है अब आप देखोगे कि जो पुराना बिल्डिंग है वो सर्कुलर था ठीक है साइज तो की बात करें तो ये ट्रायंगुलर बिल्डिंग आपका दस परसेंट यूज करते हुए कि एरिया तो कम ले रहा है बिल्डिंग का साइज तो छोटा है लेकिन सिटिंग कैपेसिटी ज्यादा है पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जो वो पूरा एरिया है ना रेसेना हिल्स वाला उसको पूरा रीडेवलप किया जाएगा एंड बेसिकली जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है वो सौ साल पुरानी हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये एक मेजर रीजन था और 2026 में आपकी जो सीट्स हैं उनको भी दोबारा से डिलिमिटेशन कमीशन देखेगा शायद सीट्स इंडिया में बढ़ानी पड़े पार्लियामेंट की बिकॉज ऑफ द राइज इन पॉपुलेशन तो इसी वजह से नई पार्लियामेंट का आइडिया जो है वो लेकर के आया गया था पुरानी पार्लियामेंट लॉर्ड एरविन ने इनागरेट की थी 1927 में पुरानी पार्लियामेंट से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स मैं बिल्कुल लेक्चर के लास्ट में आपको बताऊंगा Thank <laughs> you. नई जो पार्लियामेंट है फोर स्टोरी बिल्डिंग है और अराउंड 970 करोड़ रुपए का इसके ऊपर खर्चा आया है और इसका जो डिज़ाइन है ये अहमदाबाद बेस्ड एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बेसिकली एक कंपनी है इन्होंने इसका डिजाइन बनाया है और कंस्ट्रक्शन किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने तो चारों फैक्ट्स याद रखने हैं फोर स्टोरी बिल्डिंग है 970 करोड़ रुपया खर्च हुआ है अहमदाबाद बेस्ड एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ने इसको डिजाइन किया है और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है उसके अलावा नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को अगर देखें तो इसमें लोकसभा के लिए सिटिंग कैपेसिटी 888 की है पुरानी में 543 की थी ठीक है लोकसभा का जो थीम है जो डिजाइन थीम है वो पीकॉक के ऊपर है राज्यसभा की सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 300 की है पुरानी में 250 की थी और राज्यसभा का जो थीम है वो लोटस है ये याद रखने हैं थीम सीट ये सब याद रखने हैं जॉइंट सीटिंग की अगर हम बात करें तो बारह मेंबर्स के लिए यहाँ पर प्रोविजन क्रिएट किया गया है नई पार्लियामेंट में पुरानी पार्लियामेंट की तरह कोई सेंट्रल हॉल नहीं है इसके अंदर तीन सेरेमोनियल फॉयर्स फॉयर्स एक तरह के रिसेप्शन होते हैं जब आप एंटर करते हो ना होटल वगैरह में जो वो एंट्री एरिया होता है चार गैलरीज बनाई गई हैं और हर हाउस के लिए चार गैलरीज हैं छह ग्रेनाइट स्टैचूज है ऑनरिंग इंडिविजुअल्स जो बेस बेसिकली जिन्होंने लिबरेशन मूवमेंट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट किया ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट किया और एक इंडिया गैलरीज है और एक कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी है बिल्डिंग का जो लाइफ स्पैन है अराउंड डेढ़ सौ साल के लाइफ स्पैन के लिए बिल्डिंग बनाई गई है इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर छह एंट्रेंसेज हैं और इन छह एंट्रेंसेज पे आपको छह एनिमल्स के पिलर्स मिलेंगे बेसिकली वास्तु के हिसाब से ये रखा गया है Uh, सबसे पहले गार्डियन स्टैच्यूज बेसिकलीस्पिशियस जो, जो शुभ एनिमल होते हैं हिंदू uh, रिलीजन के अंदर वेरियस उनको पर हाईलाइट किया गया सेकंड के ऊपर आपको मिलेगा गजा दैट इज योर जो साइन है नॉलेज रिचनेस इंटेलेक्ट मेमोरी ओके एंड ये बेसिकली uh, जो नॉर्थ एंट्री है उसको गार्ड करेगा उसके बाद है अश्वा जो है आपका हॉर्स जो एंडोरेंस स्ट्रेंथ पावर स्पीड और बेसिकली गवर्नेंस गुड गवर्नेंस पीडी गवर्नेंस को हाईलाइट करता है ये सदरन गेट पे होगा फिर आ जाता है गरुडा और ईगल बेसिकली लोगों की एस्पाइरेशन को हाईलाइट करता है ईस्टर्न एंट्रेंस पे है ये राइजिंग सन जो विक्ट्री को सिंबलाइज करता है और ईस्ट के साथ कनेक्टेड है ओके एंड आपको यहाँ पर सुन्स भी मिलेंगे विद राइजिंग सन ठीक है वहां पर आपको स्वैंस की पिक्चराइजेशन भी मिलेगी जो जजमेंट एंड विजडम को हाईलाइट करती है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एंट्रेंस है उसके बाद मकरा मकरा बेसिकली एक मिथिकल एक्वेटिक क्रिएचर है जिस, जिसको बिलीव किया जाता है कि ये वेरियस एनिमल्स के पार्ट से बनता है और ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को सिंबलाइज करता है साथ ही यहाँ पर आपको शर्दुला भी मिलेगा अगेन एक मिथिकल क्रिएचर है ठीक है एंड इस बिलीव किया जाता है कि शर्दुला जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लिविंग थिंग रहा है आज तक एंड ये स्ट्रेंथ शो करता है नेशन की ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं अगर आपने इनाग्रेशन जब हो रहा था तब देखा होगा नरेंद्र मोदी जी के हाथ में एक छड़ी जैसा कुछ था तो वो क्या था वो था सिंगॉल या जिसको सेप्टर बोला जाता है ये सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड है एंड सिंगॉल जो है बेसिकली एक तमिल वर्ड सेमाई से बनता है जिसका मतलब होता है राइटियसनेस और बेसिकली ये जो पर्टिकुलर स्वाड uh, होती है या सिंगॉल होता है इट इज ब्लेस्ड बाय द हाई प्रेस्ट हाई प्रीस्ट ऑफ लीडिंग धार्मिक मठ इन तमिलनाडु जो इसके ऊपर यहाँ पर आपको नंदी दिख रहा है ना इमेज के अंदर बाकी सारी मैंने आपको इमेजेस नहीं दिखाई है क्योंकि बहुत ज्यादा अभी हमारे पास इमेज एक्सप्लोरेशन और ये सब का टाइम नहीं है अभी तो ये क्विक लेक्चर्स हैं ओके तो नंदी जो यहाँ पर आपको दिख रहा है बेसिकली ये जो बीहोल्डर है जो इस छड़ी को पकड़ने वाला धारण करने वाला है उसकी जो सेंस ऑफ न्याय है जस्टिस है उसको हाईलाइट करता है ओके एंड बेसिकली जो रेसिपेंट ऑफ सिंगॉल होता है जिसको सिंगॉल ये मिलता है हैज द ऑर्डर रूल जस्टली एंड फेयरली वो वो जस्ट और फेयर रूल जो है वो करेगा इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को ये सौंपा गया था के टाइम पर जो आपके एशियंट इंडियन पीरियड के चोलास है सिमिलर सेरेमनी तब होती थी जब एक राजा से दूसरे राजा को पावर ट्रांसफर किया जाता था तो सिंगोल किंग की पावर का सिंबल है चौदह अगस्त 1947 को ये सिंगाल पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था जो बेसिकली एक सिंबल बना ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम लॉर्ड माउंट बेटन टू प्राइम मिनिस्टर और ये आइडिया सी राजा गोपालाचारी का ही था कि नेहरू ये रिसीव करें माउंट बेटन से जो एक सिंबॉलिक साइन होगा एंड ये सेम सेंगोल है जो 1947 वाला है ना सेम है और इसको अब प्रधानमंत्री ने नई लोकसभा के अंदर इंस्टॉल किया है और ये लोगों को ये दिखाने के लिए स्पेशल ओकेजन पे इसको बाहर भी लाया जाएगा उसके अलावा ये जो आपका नया पार्लियामेंट बिना है इसमें पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग मटेरियल को लिया गया है इंटीरियर इंटीर, एक्सटीरियर के लिए ठीक है कंस्ट्रक्शन मटेरियल अलग अलग देशों से हम लेकर अलग अलग शहरों से हम लेकर के आए हैं जैसे सैंडस्टोन हम सरमाथुरा इन धोलापुर ठीक है ग्रेनाइट हम लाए लखा विलेज जैसलमेर राजस्थान से उसके बाद जो वुड यूज हुई है अंदर इंटीरियर में वो नागपुर से लेके आए हैं क्राफ्ट आए थे बॉम्बे से ठीक है उसके बाद जी जो इसके अंदर पूरा कारपेट बिछा है ना बिल्डिंग के अंदर वो हैंड नोटेड है हाथ से बना हुआ है और वो उत्तर प्रदेश के भदोही वीवर्स का बनाया हुआ कारपेट है ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं पेपर के अंदर डायरेक्टली पूछ लेगा कारपेट कौन सी स्टेट से है? से आया यूपी भदोही के वीवर्स ने वीव किया है इसको गांधी जी का स्टैचू यहाँ पर आपको मिलेगा सोलह फुट का है ब्रॉन्स स्टैचू है ये पहले जो आपकी पुरानी पार्लियामेंट है वहां पर भी था मेन एंट्रेंस पे था उस पार्लियामेंट के अब इसको ओल्ड और न्यू बिल्डिंग्स के ना दोनों दोनों के बीच में इसको रखा जाएगा और जो फेस होगा वो ओल्ड बिल्डिंग की तरफ होगा ओके एंड uh, ये जो है बेसिकली इस पर्टिकुलर स्टैच्यू को क्रिएट किसने किया था राम बी सुतर इसके स्कल्प्टर थे जो पद्मभूषण अवार्ड के भी रेसिपेंट है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के कुछ पॉइंट्स डिजाइन किसने की थी सर एडविन ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर ने छह साल लगे थे बनने में 1921 में काम शुरू हुआ था 1927 में बन गया था ओरिजिनली काउंसिल हाउस इसका नाम था और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर बैठती थी पार्लियामेंट के अंदर पहले भी काम चला है ठीक है दो फ्लोर बनाए गए थे 1956 के अंदर फिर 2006 में पार्लियामेंट म्यूजियम ऐड किया गया था ठीक है सर्कुलर शेप है और ये बिलीव किया जाता है कि ये जो सर्कुलर शेप का आइडिया है वो यहाँ के आर्किटेक्ट्स ने जो चौसठ योगिनी टेम्पल है मोरेना मध्य प्रदेश में वहां से लिया था बट कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया कि हमने यहाँ से ये आइडिया लिया है सो वर सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग अगर इतने हो गए ना तो आपका न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वाला सवाल जो है गलत नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए वीडियो कैसा लगा वो बताएंगे एंड चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे टेक केयर एंड बाय